नमस्कार। दिन भर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जुए के फड़ पर विवाद होने से एक गोली चली, एक युवक घायल हुआ है। वहीं दूसरी ओर सटे रोड पर एक बार फिर से लोग चक्का जाम कर शराब दुकान के विरोध में बैठे थे। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। सरालीहार में जुए के फड़ पर पैसों के लेन देन पर चलाई गोली, एक युवक घायल। सटे रोड में एक बार फिर से शराब दुकान न खोले जाने के विरोध में महिलाएं और पुरुष बैठे धरने पर। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, एसडीएम ने दी समझाइश। पिछले लगभग एक महीने से बैंकों के एटीएम दे गए हैं जवाब। एसबीआई के अधिकांश एटीएम खराब, 10 दिनों के अंदर नई मशीनें लगाए जाने की बात कही। और आग से जलने पर मौत होने के मामले में युवती की मां ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन। ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज हत्या के आरोप। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। सबसे पहले आपको दिखा दें बड़ी खबर। सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सरालीहार में जुए के फड़ पर विवाद हुआ और विवाद के बाद ये स्थिति बनी कि एक युवक पर गोली दाग दी गई। उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। रेडियो कॉलोनी निवासी 27 वर्षीय सुनील पाठक जुए के फड़ पर जाता था। पिछले दिनों जुए के फड़ पर सुनील ने कौशल पाठक नाम के एक युवक को 50,000 रुपये उधार दिए थे। सुनील के अलावा पुष्पेंद्र यादव और सुमित यादव ने भी सुनील को उधार दिए थे। जब ये लोग बार बार कौशल से रुपए मांग रहे थे, तब उसने सुनील को फोन कर कहा कि गुरुवार की दोपहर वो पैसे देगा। इसके बाद फोन कर सरानी के पास बुलाया और सुनसान इलाके में पैसे देने की बात कहकर ले गया और वहां पर कौशल ने सुनील पर फायरिंग शुरू कर दी। किसी तरह घायल अवस्था में सुनील भागकर समीप मौजूद गणेश कुशवाहा के खेत पर पहुंचा, जहां पर गणेश की पत्नी केशर मौजूद थी। केशर ने अपने पति को सूचना दी और उसके बाद डायल 100 बुलाकर पुलिस को मामला सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 307 का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। देखिए, हम आपको बता दें, ये बड़ा मामला सामने आया है। ये जुए के फड़ पर जो पैसों के लेन देन का विवाद है, ये इसके चलते जो एक युवक को गोली मार दी गई है, जिसका जो घायल युवक है सुनील पाठक, इसने बताया है कि जुए के फड़ पर इसने 50,000 रुपये है जो वो है अपने एक साथी पाठक किसी को दिए थे। बाद में इसके जो नाम का पता चला है, तो पुलिस द्वारा ये पार्टी भेजकर इसके नाम का ज्ञात किया गया है। तो ये कौशल पाठक नाम के रूप में इसकी पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि कौशल पाठक ने आज सुबह ये सुनील पाठक को लेकर सरानी गया हुआ था और पैसे की बात कही थी, कि पैसे देने की बात कही थी। और उसी दौरान इसने कौशल और कौशल के तीन साथियों द्वारा इसको सुनील को गोली मारकर घायल किया गया है। सुनील को गोली लगी हुई है, हाथ में लगी हुई है और साथ ही गाल में भी लगी हुई है। पुलिस ने तत्काल ही मौके पर पहुंचकर इसको 100 डायल से जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर इसका उपचार कराया जा रहा है। और इसके जो आरोपी है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी गिरफ्तारी के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। जिला अस्पताल CSP लक्ष्मण अनुरागी और TI कोतवाली KK खनेजा, TI अरविंद कुजूर भी मौके पर पहुँचे थे, जहाँ पर घायल का उपचार करवा रहे थे। तो हमारे भाभी ने फोन से बताया, बोली भैया ऐसे आ जाओ, और एक आदमी आ गया, कोई घाल गोली खड़ी हो गई, तो वो खट गया, बैठो कह रहा हमें बचा लो। तो फिर हम उतने से भागे मोटरसाइकिल से, चलिए घर आए तो हमने देखो वो खट गया बैठा, तो हमें खून में भरान खून रहे, और बोले हमें बचा लो, पुलिस संभला दी। तो फिर मैंने पुलिस संभाला, उन्हें मन लगा सभी से गुरु करवा दे, सभी से लगा को घर आउट हो, पूरा कुछ ही जाम रखा दूँगा।
ओली प्रसाद कह रहे हैं। ये सुनील पाठक पुत्र राजेंद्र प्रसाद पाठक, ये रेडियो कॉलोनी में रहता है। ये अभी ये आया कि मेरे को डेढ़ घंटा पहले सरानी के जंगल में गोली मार बुलाया था। मेरे 30,000 रुपये का कुछ जीवन कल पैसों के पीछे विवाद हुआ है, उसको पैसे लेने के लिए मारे बुलाया। वहाँ जाकर उसमें एक पाठक बता रहा है, चार के पास का बच्चा जेल के पास में रहता है, उसने गोली मारी है और अभी इसके तस्दीक की जा रही है वो व्यक्ति कौन है और पार्टी गई है। बढ़ते हैं लाइव रिपोर्टर की ओर। सटई रोड में एक बार फिर से यहां के रहवासियों ने सड़क जाम कर दी और शराब दुकान खोले जाने का पुरजोर विरोध किया। गौरतलब है कि 4 दिन पहले भी जाम की स्थिति बनी थी और प्रशासनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप और आश्वासन के बाद यहां से जाम हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद कोई असर न होते देख एक बार फिर से वे गुरुवार को धरने पर बैठ गए। तंबू दान कर भजन कीर्तन भी होने लगे। इसके बाद बड़ी संख्या में SDM के साथ पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। वहां पुलिस बल लाठियों से लैस था तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ले के कुछ लोग पत्थर भी अपने पास इकट्ठे किए खड़े थे। यहां पर अगर ठीक ढंग से मामला नहीं सुलझाया जाता तो काफ़ी बुरी स्थिति बन सकती थी। हालांकि बाद में SDM DP द्विवेदी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन शराब ठेकेदारों की बैठक कलेक्टर द्वारा बुलाई जा रही है और समाधान निकाला जाएगा, तब कहीं जाकर लोग यहां से तितर बितर हुए। ये हमारे बीच में बस्ती के बीच में उन्हें दुकान खोल रखी है दारू की, उसका विरोध चल रहा है क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि माताएं बहनें परिवार रहता है और बीच परिवार में यदि आप लोग दारू की दुकान खोलेंगे तो कैसे हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेंगी। हमारा बस एक ही विरोध है कि यहाँ से दारू की दुकान हटाई जाए और आप ये ऐसे इंटीरियर में खोली जाए कि दारू की दुकान जहाँ इंटीरियर में होना चाहिए यहाँ बीच बस्ती में नहीं होना चाहिए। इसलिए है कि पन्ना रोड से दुकानें हट करके दारू की सटई रोड पर जहां बस्ती है, बहुएं बेटियां माताएं छोटे बच्चे हम सब रहते हैं यहां, तो सभी यहां रात में निकलते आते जाते दारू देखते वहां दारू बिकने लगी परसों से, तो बड़ी समस्या है। इसलिए ये सब लोग इकट्ठे होकर के दारू की दुकानें यहां से। आप लोगों की समस्या के मद्देनजर मैंने तत्काल माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा की, इसके साथ ही साथ जो ठेकेदार है दारू का उससे भी चर्चा की। मैंने आकर स्पॉट इंस्पेक्शन किया और मैंने देखा कि कहाँ पे अस्पताल है, कहाँ पे स्कूल है, मेन रोड है, बाजू में एक जेसी कलारी का भी ठेका होने वाला है। आप लोगों का जो एक प्रतिवेदन है, जो वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन है, मैं आज 5 बजे कलेक्टर महोदय के सामने रखूँगा। ठेकेदार ने भी आश्वस्त किया है कि जो भी डिसीजन होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। मैं आप लोगों की भावनाओं से माननीय कलेक्टर महोदय को ठेकेदार के लिए अवगत कराऊंगा और जो भी डिसीजन होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। परंतु मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक नागरिक हूँ, इसी छतरपुर का अन्न जल मैं भी ग्रहण कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी डिसीजन हो वो आपके हित में हो, क्योंकि यदि आपके हित में होता है तो मेरे भी हित में होगा। सटई रोड के रहवासियों ने एक बार फिर से चक्का जाम करते हुए शराब की दुकान वालों का विरोध किया है। इस बार उन्होंने भजन कीर्तन के माध्यम से यहां पे विरोध जताया है। हम आपको बता दें छतरपुर जिले में लगातार शराब की दुकानों का विरोध किया जा रहा है, इसी तरीके से सटई रोड के रहवासियों द्वारा आज दोबारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पे चक्का जाम करते हुए उन्होंने भजन कीर्तन के माध्यम से यहाँ मध्य प्रदेश सरकार को सद्बुद्धि की बात कही है। उनका कहना है कि शराब की दुकानें जो खोली जा रही हैं उसमें बस्ती के भीतर खोली जा रही हैं, जिसका विरोध वो लगातार कर रहे हैं। इस बार उन्होंने भजन कीर्तन करके अनूठे तरीके से विरोध जताया है। उधर घटना की जानकारी लगते ही SDM DP द्विवेदी सहित पुलिस भारी बल पुलिस मात्रा में पहुंचा था, जहां पे लोगों को समझाइश देकर यहां पे चक्का जाम हटाया गया है। उनका कहना है कि यहां पे कलेक्टर रमेश भंडारी के साथ वार्ड के कुछ मुखियाओं द्वारा बैठक रखी जाएगी और यहाँ पे ठोस निर्णय भी लिया जाएगा। उधर सटई रोड के रहवासियों का कहना है कि अगर यहाँ पे शराब की दुकान खोली गई तो इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। लाइव रिपोर्टर्स के लिए लोकेश चौरसिया। पिछले कई दिनों से छतरपुर के ATM खराब अवस्था में पड़े हैं, AC चलने का नाम नहीं ले रहे और ऐसी भीषण गर्मी में मशीनें भी जवाब दे चुकी हैं। यही वजह है कि लोग ATM में पैसे निकालने के लिए जाते हैं, शहर के तमाम ATMों की खाक छानते हैं और वापस लौट आते हैं। लोगों को अपना पैसा निकालने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे शहर भर में लगभग 54 ATM हैं, जिसमें SBI के 26 ATM भी शामिल हैं। इस मामले में जब SBI के अधिकारी से बात की तो उनका कहना था कि ATM मशीन की जो म्याद होती है वो लगभग 7 साल होती है और इनमें से अधिकांश मशीनें 7 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं। 4 नई मशीनें लाई गई हैं जिन्हें 10 दिन के भीतर
शिफ्ट कर लिया जाएगा और वे चलने की स्थिति में हो जाएंगी। इसके अलावा नोटबंदी के बाद से लोगों के मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आने भी बंद हो गए थे, जिसके लिए उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों का हवाला दिया और उसको भी दुरुस्त करने की बात कही। सर्वर डाउन होने की बात भी लगातार मिल रही है, जिसकी वजह से पर्चियां नहीं निकल पाती। हालांकि 10 दिनों की बात कही गई है, लेकिन इन 10 दिनों तक और किस तरीके से लोग परेशान होंगे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एटीएम में मशीनें लगी हैं दो, जिसमें एक चालू है एक खराब है, और एसी और जो एसी लगा है वो भी खराब है। ऐसी आई है कि पूरी बैठे फैसिलिटी दी है, जब उन्होंने एटीएम बना के रखा है तो उसमें पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, एसी भी होनी चाहिए, मशीनें ढंग की चलनी चाहिए, और जिसमें लोग आओगे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। हालात तो बहुत ख़राब हैं और बड़ी परेशानी से पैसे निकले मेरे, बहुत देर से खड़ा हूँ यहाँ पे एक घंटे से, किसी भी एटीएम में पैसा नहीं है, और जो एसी लगी यहाँ पे वो दोनों ख़राब हैं, बहुत परेशानी थी। सुधार होना चाहिए, हर एटीएम में पैसे होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए सभी एटीएम में, ताकि परेशान ना हो जनता। अभी कुछ मशीनें जो अपनी लाइफ टाइम कम्प्लीट कर चुकी है, अप्रॉक्स 7 ईयर्स उसका लाइफ टाइम डिक्लेयर होता है मशीन वेंडर के द्वारा, तो वो रिप्लेस की जा रही है। मोस्ट ऑफ रनिंग 15 डेज के ड्यूरेशन में कई मशीनें अपनी रिप्लेस हो जाएंगी। अभी प्रेजेंटली छत्रसाल वाले अपने एटीएम लोकेशन पर मशीनें आ चुकी हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेट विद इन 1-2 वीक में इंस्टॉल हो जाएंगी और वो प्रॉपरली वर्क करेंगी। और एसी की जहाँ तक बात है, तो अभी समर वेकेशन चालू हो चुके हैं, तो ये ख्याल हम लोग भी कर रहे हैं और रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं कि एक अच्छा एसी रिपेयरिंग वेंडर को हायर करके उनसे कराएंगे हम। और कुछ ऑनवर्ड्स भी हैं, कुछ काम चल भी रहे हैं, तो मोस्टली अप्रैल एंड से पहले ही हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारे एसी हमारे प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर देंगे। बिजावर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम गुलाट से एक महिला ने कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उसकी बेटी की ससुराल पक्ष वालों ने जलाकर हत्या कर दी है। सरोज सेन की हत्या का मामला सामने आया है, उसका कहना है कि जलाकर उनके ससुराल पक्ष ने हत्या की, क्योंकि इसके पहले कई बार वे दहेज के लिए विवाद कर चुके थे। जब उसे सूचना मिली कि वो आग में झुलस गई है, तो उसे ग्वालियर ले जाकर उसका इलाज कराया गया, जहां पर भी उसके पति पिंकल सेन और सास व जेठानी कोई भी ससुराल पक्ष से देखने भी नहीं आया, और 4 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। उनके घरवाली का कुछ काम नहीं कहती थी, तो उसकी घरवाली परेशान कहती थी, फिर जेठानी सास लड़ती थी, उसी में बस उसमें आग लग गई, बस जल गई। फिर उन्हें दवाई भी नहीं कराई, हॉस्पिटल होता ही भर ले गए अस्पताल में, तो दवाई करा दें। SBI आधार पे नाम का एक ऐप जारी किया है, जो कि ग्राहकों और दुकानदारों की सुविधा के लिए है। इसमें मोबाइल के माध्यम से 2,000 रुपए तक का बिल एक दूसरे को अदा किया जा सकता है। हालांकि इसमें ग्राहकों के लिए एक परेशानी वाली बात यह है कि प्रति 100 रुपए पर 10 पैसे का चार्ज लगाया जाएगा, और अगर SBI से अदर बैंक पर आप ये ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें प्रति 100 रुपए पर 25 पैसे का चार्ज लगेगा। नाबार्ड द्वारा दुकानदारों को सौगात दी गई है कि उन्हें इस ट्रांजेक्शन में 5% अतिरिक्त उनके खाते में मिलेगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कम से कम 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन ऐप के माध्यम से होना चाहिए। अभी न्यूली SBI आधार पे लॉन्च की गई है, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट है और मोस्ट ऑफ द ग्राहकों के खाते आधार से लिंक हो चुके हैं। तो उस ऐप की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि किसी भी ग्राहक को कोई एडिशनल कार्ड कैरी नहीं करना है, कोई एडिशनल पासवर्ड कैरी नहीं करना है, सिर्फ एक दुकानदार के पास जाकर अपने आधार नंबर को बताएगा और अपनी राशि की, जितने की उसने सामान खरीदी है वो राशि बताएंगे वो, और एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगा होगा जिस पर थंब लगाएंगे और उनके वैलिडेशन हो जाएगी और खाते से पैसा कटकर उस व्यापारी को पेमेंट हो जाएगा। बुधवार की सुबह बस स्टैंड पर एक युवक की लाश मिली थी। बताया जा रहा है कि युवक नारायण बाग का रहने वाला था। युवक की शिनाख्त रिक्शा चालक 30 वर्षीय नंदू यादव के रूप में हुई है। इस मामले में नंदू की मां ने गुरुवार को SP को शिकायती आवेदन देकर 3 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप लगाए हैं। SP को सौंपे गए आवेदन में नंदू की मां विद्या यादव ने बताया कि उसका बेटा पूर्व में सौरा रोड पर रहता था, जिसे नथू राजपूत, फौजी मुसलमान और आरिफ मुसलमान ने जबरदस्ती हटाकर इस प्लाट को बेच दिया था। आरोपी नथू राजपूत निवासी देवपुरा थाना लवकुशनगर द्वारा गुंडे लाकर 8 मई 2016 को उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। इसी संदेह की वजह से और इस विवाद को लेकर नथू राजपूत और उसके साथियों ने उसके पुत्र नंदू की हत्या कर दी है, ऐसा नंदू की मां ने शिकायती आवेदन में कहा है। तीन लोगों ने मारा है बस स्टैंड पे, प्लाट के ऊपर लड़ाई लेके मारो है।
लगाई थी उसके 50,000 रुपए जुर्म लगा के बर्तन दिया तो तुमको जान से मारेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। सरारीहार में जुए के फड़ पर पैसों के लेन देन पर चलाई गोली, एक युवक घायल। सटे रोड में एक बार फिर से शराब दुकान न खोले जाने के विरोध में महिलाएं और पुरुष बैठे धरने पर, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, एसडीएम ने दी समझाइश। पिछले लगभग एक महीने से बैंकों के एटीएम दे गए हैं जवाब, एसबीआई के अधिकांश एटीएम खराब, 10 दिनों के अंदर नई मशीनें लगाए जाने की बात कही। और आग से जलने पर मौत होने के मामले में युवती की मां ने कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन, ससुराल पक्ष पर लगाए दहेज हत्या के आरोप।